जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में राम ललन की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजित होने जा रहा है। राम नाम के इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा देखकर भगवान श्री राम को नाराज मत करना। 450 सालों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को राम मंदिर मिल रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उत्साह चौगुने स्तर पर होगा। ये अच्छी बात है। आपको एक बात बता देते हैं ताकि आपको भी कम से कम पता तो चले। तो बात यह है कि राम मंदिर का पूरा गर्भगृह मकराना के संगमरमर से बना है, और इतना ही नहीं, गर्भगृह का दरवाजा भी सोने से डिजाइन किया जाएगा। आप पक्का जानना चाहेंगे कि किसके भाग्य में इस मंदिर में राम ललन की पूजा करना लिखा है, तो आपको बता देते हैं, इस मंदिर के मुख्य पुजारी 80 साल के सत्येंद्र दास जी है। ये पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। 1992 में बाबरी विध्वंस के 9 माह पहले उनका चयन हुआ था, जिस समय उनका वेतन सिर्फ 100 रुपए हुआ करता था। आपको बता देते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि वे इस निमंत्रण से बहुत खुश है। इतना ही नहीं दोस्तों, राम मंदिर समारोह में 8000 विशेष अतिथियों को न्योता मिला है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिनमें कुछ ये है, आप ही देख लो। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, अभिनेता अमिताभ बच्चन और देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी आमंत्रण भेजा गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। विराट कोहली को क्यों बुलाया जा रहा है, आपको पता है क्या? विराट कोहली पूजन कार्यक्रम और आध्यात्मिक माहौल में नजर आते रहते हैं। पिछले दिनों में अपनी पत्नी अनुष्का के साथ प्रेमानंद जी महाराज के पास भक्ति में झूमते नजर आए थे, और सचिन तेंदुलकर भी गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में नजर आते रहते हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय एक शहीद कार सेवक संजय कुमार सिंह की पुत्री स्मृति चौधरी को भी न्योता मिला है। भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आडवाणी 96 वर्ष के और जोशी 90 वर्ष के हैं, तो वे बोले कि इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। इस भव्य समारोह में लक्ष्मण जी को बुलाया ही नहीं गया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। यदि लक्ष्मण जी बुला लेते तो मजा ही आ जाता। इस बात से जनता भी नाराज है। एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा कि लक्ष्मण बिना सीता राम अधूरे हैं, उन्हें बुलाना चाहिए। आपको बता देते हैं कि रामायण में श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी को इस भव्य समारोह का न्योता मिला है। पर जब रामायण में भ्राता लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी से ये बात पूछी गई, तो वे बोले कि राम मंदिर से मुझे तो कोई बुलावा नहीं आया है। फिर उन्होंने बताया कि इससे मुझे तो कोई नाराजगी नहीं है। हो सकता है आयोजकों को लक्ष्मण का किरदार इतना जरूरी नहीं लगा, या मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते होंगे। फिर बोले, कोई कार्यक्रम आयोजित करे और हर बार बुलाए, ये जरूरी थोड़ी है। अंत में उन्होंने बताया कि इतिहास में दर्ज होने वाले भव्य पल हैं, इसमें यदि मुझे शामिल होने का मौका मिलता तो अच्छा लगता। दोस्तों, कुछ भी कहो, भव्य समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सभी देशों के राजदूत भी उपस्थित रहेंगे। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरी दुनिया देखेगी, हमें तो बहुत उत्साह है। जय श्री राम दोस्तों।